दोस्तों आज हम चलेंगे चिल्का झील। चिल्का झील कैसे पहुंचते हैं ये हमने पहले ही वीडियो में बता दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस जगह का नाम सातापुड़ा है, यहां से हमको जो है नाव मिलती है और नाव का रेंट मैंने पहले ही बताया था। नाव आपको 4500 से 7000 के बीच मिलेगी और ये पूरा सफ़र आपका नाव में 4 से 6 घंटे का होगा। तो दोस्तों चलिए हमारा सफ़र शुरू हो गया। नाव में जो है आपको अगर आप सही समय पर रहेंगे तो झील में आपको प्रवासी पक्षी भी दिखाई देंगे, साथ में आपको डॉल्फिन भी दिखाई देगा। हम लोग जब थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी इसलिए प्रवासी पक्षी तो नहीं, लेकिन हमको डॉल्फिन ज़रूर जो है दिखाई दिया। आप देखेंगे कि पूरा झील जो है विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और मैं बताऊं कि यह भारत की सबसे बड़ी झील है जो कि लगभग 1100 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और ये एक प्रकार का लैगून है जो समुद्र से एक जगह पर मिला हुआ है। ये पूर्णतः खारे पानी की भी झील नहीं है और मीठे पानी की भी झील नहीं है। ये वर्षा ऋतु में मीठे पानी की झील में हो जाती है और बाकी समय खारे पानी की झील होती है। इस जगह में आपको सीपी से मोती निकालकर और नौगा पत्थर निकालकर बताते हैं और साथ में झील में पाए जाने वाले कुछ केकड़ों की प्रजाति भी बताते हैं। यहाँ पर नाव तकरीबन आधा घंटे रुकती है और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप जाकर वहाँ भी देख सकते हैं। नवग्रह कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं, नवग्रह कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं। अभी जिस कसर में सुगर बीमारी होता है, सुगर बीमारी कंट्रोल करने के लिए काम करता है। कितना बढ़िया है। Thank you.
लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद आप झील के बीच में एक छोटा से टापू में आप रुकेंगे और इस टापू में देख सकते हैं 2 छोटे छोटे होटल बने हुए हैं जहां आपको मैगी वगैरह जो है वो मिलेगा। इस टापू से आप पैदल लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चलने पर आप जो है समुद्र के बीच किनारे पहुंच जाएंगे और यहां आपको समुद्र का बहुत बेहतरीन नज़ारा जो है देखने को मिलेगा। ये पूरा रूट प्लान शुरू से अंत तक गूगल मैप में कैसे देखेंगे, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।